एक्शन। ये है आम जिंदगी। ये है मेंटोस जिंदगी। तो भाई लोग, क्या हाल चाल? मैं हूँ आपका भाई जल्लू भाई। तो भाई लोग, आज मैं आपको मिलवाने वाला हूँ बांग्लादेश की ऐसी कन्या से जो थोर की तरह निकालती है बिजली के झटके। बस इसके पास नहीं है थोर की तरह हथौड़ा, इसलिए हमारी दीदी है थोड़ा हटके। और आप लोगों को दीदी का नाम करना है गेस। चलो थोड़ा सा हिंट देता हूँ, इनका नाम स्टार्ट होता है बी से, जो कि इनकी कॉस्ट्यूम पे भी लिखा है। और बी फॉर, अबे बे नहीं रे, बी फॉर बिजली है। अभी बिजली। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करके कर देना कमेंट, वरना ऐसी जगह शौक लगेगा कि उसके साथ छोटा सा कॉम्प्लीमेंट भी मिलेगा। बिजली का बिल तेरा बाप भरेगा। तो भैया बिना करे देरी, चलो स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो और देखते हैं हमारी बांग्लादेशी सुपर हीरो। देखो, सब कुछ देखने से पहले हमको ये देखना पड़ेगा कि हमारी इस बांग्लादेशी थोर को इसकी सुपर पावर कैसे मिली है। तो एक दिन एक सभ्य इंसान को पता चलता है कि उसकी बीबी को बच्चा होने वाला है। वो उसको गाड़ी में हॉस्पिटल लेके जा ही रहा होता है, लेकिन तभी उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। एंड तभी उन दोनों के ऊपर सीधा आसमान से एक बिजली गिरती है। अब पता नहीं वो हॉस्पिटल कैसे पहुंच जाते हैं, लेकिन एक डॉक्टर को पता चलता है कि बच्चा तो भी जिंदा है। मिला जादू, जादू। एंड ये डॉक्टर सक्सेसफुली उस बच्ची को बचा लेता है। और हमें ये भी पता चलता है कि इस बच्ची को सुपर पावर मिल चुकी है। और मैं आपको बता दूं, ये वाली डॉक्टर इस कहानी में एक विलन है। और इससे पहले कि ये कर पाती इस बच्ची की शक्तियों का मिसयूज, हमारा भला डॉक्टर छोटी बच्ची को लेके वहाँ से लेता है फूट। और फिर कहानी कुछ साल आगे बढ़ती है और बिजली बड़ी हो चुकी है। ओ, क्या फिगर है, क्या नशीली अदा है तेरी। हमारे इस डॉक्टर ने लेडी थोर को बहुत ट्रेनिंग दी थी ताकि वो अपनी शक्तियों को कंट्रोल कर सके। और ट्रेनिंग भी ऐसी वैसी नहीं, बहुत खतरनाक वाली, जैसे कि रनिंग करवाना और रनिंग करवाना और रनिंग करवाना। अबे ये सुपर हीरो बनाना है भाग मिल्खा भाग, अब तू भाग मिल्खा। लेकिन मजे की बात ये, इस सारी ट्रेनिंग का असर होता है और हमारी दीदी हवा में उड़ने लग जाती है। देखा, मैंने कहा था ना, ये बंदा फालतू में इस लड़की को इतनी देर से दौड़ा रहा था जबकि इसे उड़ना आता है। ओहो। और अभी हमें पता चलता है कि दीदी हाथों से की ब्लास्ट भी कर सकती है। देखा कितना खतरनाक की ब्लास्ट है, दीदी ने अपनी शक्ति से 3-4 पत्ते उड़ा दिए। मां कसम, मिलन लोगों की तो वाट लगने वाली है। और आपको बता दूं, अगर कभी रात में लाइट चली जाती है तो दीदी अपने हाथ से लाइट जलाकर रोशनी कर देती है। और कोई भी लड़का अगर दीदी को छेड़ना चाहे तो आपको पता नहीं उसका अंजाम क्या होगा। उम्र भर सो न सकेंगे। तो भैया समझ जाओ, जान से ज्यादा पिछवाड़ा दाव पे लगाए, इसलिए नसीहत देना चाहूंगा, सही वक्त सही कदम, सतर्क रहे। देखो यार, हम लोग सुपर हीरो तो नहीं है और ना ही हमारे बाप दादा ऐसी जायदाद छोड़ के गए हैं। हम नॉर्मल इंसान है और खर्चे की टेंशन ऐसी है कि सैलरी आती है और पता भी नहीं चलता। तो जब खर्चा करना है तो वहाँ करो जहाँ आपको खर्चे करने पर पैसे वापस दें। मुझे पता है आपको समझ नहीं आया होगा, बढ़िया से बताता हूँ। ये देख रहे हो, ये मेरी अब तक की लूट है। अब ये कहाँ से आया ये सब बताता हूँ। भाई लोग, ये सब हैप्पी क्रेडिट की बदौलत है। मस्त है यार। अब कुछ खरीदना है तो बस हैप्पी क्रेडिट पे आओ, अपनी फेवरेट वेबसाइट पे जाके खरीद लो और मस्त 5-7% कैशबैक भी लो। तो भाई सेल हो या ना हो, हैप्पी क्रेडिट तो है। डाउनलोड करो इस बवाल चीज को। हैप्पी क्रेडिट इंडिया की फास्टेस्ट कैशबैक ऐप है और कम्प्लीटली ट्रस्टेबल है। कैसे? क्योंकि यहाँ आपको मिलती है 1500 प्लस वेबसाइट जैसे फ्लिपकार्ट, आजियो, मिंत्रा, और देख लेना कितना बताऊं। अब यार इस ऐप के कुछ अलग फीचर है जो किसी और ऐप में नहीं है। 15 दिन में कंफर्म कैशबैक मिल जाता है और ऑर्डर ट्रैकिंग इंस्टेंट है। जहां ऑर्डर प्लेस किया वहां ऑर्डर ट्रैक हो गया। और भाई इसे यूज करना काफी इजी है। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ऐप को डाउनलोड करो। ये करते ही आपको फ्री साइन अप बोनस मिलेगा। इसको सीधा बैंक अकाउंट में ले लो या UPI कर लो। बाकी ऐप की तरह नहीं, पहले इतने की शॉपिंग करो, अब लेना बोनस अकाउंट में। फिर होम पेज को देखो, अगर समझ में आए कुछ तो ठीक है, वरना फ्लिपकार्ट पे क्लिक करो और फिर नॉर्मल शॉपिंग कर लो। ऑर्डर प्लेस करते ही इंस्टेंटली ट्रैक हो जाएगा। और यहाँ आपके कैश आउट सेक्शन में आके चेक करो और 15 दिनों में कंफर्म होते ही आपके बैंक अकाउंट पे ले लेना। अभी सुनते ही रहोगे, डाउनलोड करके भी देखोगे। तो जाओ, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। तो चलो वीडियो में वापस आते हैं। और इस मूवी में हीरोइन के पास तो बिजली की पावर है, लेकिन हीरो के पास स्पाइडरमैन की पावर है। सुपर हीरो लैंडिंग। तो
चलो अब ये देखते हैं कि हमारी दीदी अपनी इलेक्ट्रिक पावर से क्या क्या कर सकती हैं। ये तो आपने देख लिया कि वो अपने इलेक्ट्रिक पावर से किसी को भी दूर फेंक सकती हैं, इवन किसी को अपने पास भी खींच सकती हैं, और तो और एक एनर्जी शील्ड भी बना सकती हैं। लेकिन जब टाइम पे इनकी शक्तियों की जरूरत होती है तो वहाँ शक्तियाँ यूज ही नहीं करती हैं। अरे दीदी एक बात बताओ, जो तुम हाथों से ऐसे करना में कर सकती थी तो ये पीटी उषा बनने की क्या जरूरत थी? हीरो भी बोल रहा होगा, कहने को तो बिजली का करती इतना सारा यूज, और जब मेरे को बचाना था तो दौड़ लगा रही थी, वो भी करके स्लो मोशन यूज। चीटिंग करता है तू। और बस यही नहीं, वैसे तो कहने को हमारी दीदी इलेक्ट्रिक पावर से भरी पड़ी है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी नहीं झेल सकती। देखो इसने इलेक्ट्रिक गन से शॉक देकर दीदी को बेहोश कर दिया। ये तो वही बात हो गई कि पाद मारने वाला अपनी पाद की बदबू से ही बेहोश हो गया। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। लेकिन मेरे को दीदी की एक चीज बहुत अच्छी लगती है कि जब दीदी हवा में उड़ते हुए सुपर हीरो लैंडिंग करती है। लेकिन एक बात समझ में नहीं आती, दीदी को अगर इतना अच्छा उड़ना आता है तो दीदी काई को भागती रहती है, और कभी कभी तो क्रिश की तरह छलांग मारती रहती है। और तो और दीदी के पास एक ऐसी सुपर पावर है जो किसी भी सुपर हीरो के पास नहीं है। यहाँ देखो दीदी को गुंडों ने बंदी बना रखा है और उनके पीछे से हाथ बांध रखे है, लेकिन तब भी कुछ ऐसा होता है। लेकिन सब कुछ होने के बाद कहानी लेती है मोड़, और फिर कहानी में एंट्री होती है सुपर विलेन की। जी हाँ, ये वही डॉक्टर है जिसको हमने स्टार्टिंग में देखा था, और ये अब सुपर विलेन बन चुकी है। मैं कब हो गया ये? अरे रुको बताता हूँ। दरअसल जब दीदी पे इलेक्ट्रिक गन से हमला हुआ था, तब इस काल केतु ने इंजेक्शन से दीदी का ब्लड निकाल लिया था, और उस खून को नींबू पानी समझ के हमारे इस डॉक्टर ने गटक लिया था। एंड गेस व्हाट, फिर क्या हुआ? अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। एंड स्लोली ये वाली डॉक्टर बिकम अ सुपर विलेन फ्रॉम विलेन, इवेंचुअली बेटर देन हमारी लाल बाल वाली बहन। लेकिन भाई एक चीज, इससे बड़ा इलॉजिकल सीन मैंने आज तक नहीं देखा। नहीं, खून के लगा के दो चार घूट शी विल बिकम अ भस्मासुर। हाउ इज दिस पॉसिबल यार? अगर ऐसे शक्तियाँ ट्रांसफर होती तो हर खून चूसने वाले मच्छर के अंदर इंसान वाली शक्ति होती। बात तो सही है। तो भाई आज की वीडियो में इतना ही। आई नो काफी लोग बोलेंगे भाई सुपर हीरो और सुपर विलेन की फाइट तो दिखा देता। अरे भाई देखो, मूवी का नाम है बिजली, खुद देख लेना, दिखाने लायक कुछ भी नहीं था। पर जाने से पहले इंस्टाग्राम और दूसरे चैनल को चेकआउट जरूर कर लेना, दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टाटा।